हेलो, ये चैप्टर 8.4 और ये क्वेश्चन है 5 का फोर्थ नंबर। क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करते थे, एलएचएस को एलएचएस के बराबर इज इक्वल करते थे, मतलब बराबर प्रूव करते थे। तो हम जितने भी क्वेश्चन बनाए सबसे पहले, तो हम लोग एलएचएस को मैंने एलएचएस के समीकरण को ही सॉल्व किया करते थे। तो हमें इस क्वेश्चन में एलएचएस तथा आरएचएस दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, फिर एलएचएस और आरएचएस को इज इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन 2010, 2013 और 2008 में आ चुका है फाइनल एग्जाम में। तो देखिए, 1 प्लस सेक ए है, तो लिखेंगे 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए, और इधर साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिखते हैं साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर देंगे बाय है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए। यहाँ सेके सेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 बाय सेके। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है ये समीकरण। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, उसका सॉल्व तो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए के जगह 1 है और बी के जगह क्या है, कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए कट हो गया। अब 1 बाई सेक ए को कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ देखिए प्लस सेके सेके कट गया, तो क्या बचा, 1 बचा। अब 1 बाई सेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ क्या आया है, कॉस ए प्लस 1, तो कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं, या फिर 1 प्लस कॉस ए को कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इधर ही लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल 1 प्लस कॉस ए, मतलब कॉस ए प्लस 1 को 1 प्लस कॉस ए लिख दिए। तो एल एच एस बराबर है यहाँ पे आर एच एस के। तो ये क्वेश्चन था 5 का फोर्थ नंबर और चैप्टर था 8.4। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।